And now, welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने अच्छे फीडबैक का. आप लोग हर शो को एंजॉय करो और हमारे बहुत से शो ट्रेंडिंग हो रहे हैं और ऐसा फीडबैक आता है आपका कि मुझे ये पता चलता रहता है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना. जनाब, हम ये जहन में रखते हैं कि आपके फेवरेट लोग कौन हैं, उनसे बात की जाए और उन्हीं को बुलाएंगे. थोड़ा सा इंतजार और सब्र भी कर लें क्योंकि जितने भी आपके फेवरेट लोग हैं सब आएंगे टाइम आउट विद एहसन खान में. जनाब, एक इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह जो मैं शेयर करना चाहता हूं. एक जगह पढ़ रहा था कि दुनिया के हर कोने में मच्छर हैं, यानी कोई ऐसा इलाका नहीं जो मस्कीटोज के बगैर है. लेकिन एक इलाका मुझे मिल गया, आइसलैंड. वहां पे 1300 तरह के और इंसेक्ट्स तो हैं लेकिन देयर इज नो मस्कीटो. तो अगर आप मच्छरों से बचना चाहते हैं या तो उनको मारे और या फिर चले जाइए आइसलैंड. तो जनाब, हम आगे बढ़ेंगे और बुलाएंगे अपने आज के गेस्ट को. दो भाई ऐसे जो हमेशा आपको हंसाते हैं और बहुत से लोगों को रुलाते भी हैं. अब ये हंसाने वाले रुलाते कैसे, क्योंकि जब ये बात हंसी की करते हैं लेकिन किसी की दिल आजारी भी कर लेते हैं, अब वो रोने लगते हैं. आज इनसे ये पूछेंगे कि क्या ये हंसाना चाहते हैं या लोगों को रुलाना चाहते हैं. लेकिन एक ब्रेक के बाद इनसे मुलाकात होगी. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now, welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी को हंसाना कितना मुश्किल काम है यार. रुलाना तो बहुत आसान है, आजकल हर कोई एक दूसरे को रुला रहा है लेकिन हंसा कोई नहीं रहा. लेकिन आज अपने शो में जिन दो भाइयों को हम बुला रहे हैं वो आपको हमेशा से हंसाते आ रहे हैं. अब देखते ये हैं कि वो सिर्फ स्क्रीन पे हंसाते हैं या असल जिंदगी में भी ऐसे हैं. प्लीज वेलकम द चौधरी ब्रदर्स, मुर्तजा एंड मुस्तफा. मूड अच्छा हो जाता है इसलिए. वो पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था लेकिन अचानक से देख के दिल की जरा शुगल मजा मस्ती. कैसे दोनों, ये बताएं मुझे. बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. मुझे ये बताएं कि दोनों हैं तो भाई लेकिन लगते क्यों नहीं हैं? ये मसला है, ये पूछते हैं आज जाके घर पे. नहीं, आवाजें तो आवाजें मिलती हैं तकरीबन एक. अच्छा, वैसे आपके इंट्रो से इख्तलाफ है मुझे. क्यों? ये लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया हम तो रुलाते हैं सर, आपने हंसाने का बताया. यार हमें तो हंसी आती आपको देख के. किसको रुलाया यार? सबसे बड़े वाले को. और समझाएं सर या हो गया? नहीं नहीं, बस काफी है, बिल्कुल सही है. अच्छा मुझे ये बताइए, घर में यूजुअली तो एक बंदा निकलता है जो बड़ा टैलेंटेड होता है, फिर एक होता है कि यानी कि जरा कम टैलेंटेड, या दोनों एक ही फील्ड में नहीं आना चाहते. हाउ कम यू बोथ आर इन दिस फील्ड टुगेदर? इसकी वजह से हुआ. नहीं, वैसे हम दोनों का जो है ना वो, ये वैसे आर्टिस्ट असल में. हां, पेंट भी करता है वो, स्केच भी करता है. ठीक है, तो असल तो ये था. मैंने इसको हमेशा कॉपी किया है क्योंकि क्लास में भी मुझसे आगे बैठता था तो मैं कोशिश करता था कि कॉपी करूं जिसके वजह से पास हो जाता था. तो इसको कॉपी कर करके मैं आया. तो इस फील्ड में यू एंटर्ड बिकॉज़ ऑफ हिम? हां, लेकिन मैं आगे था. अच्छा, शुरू से गेमर है, शुरू से गेमर. नहीं, वो मुझे शो तो याद है उसकी तकरीबन 250 एपिसोड से चली शो की. मोर देन दैट सर, बिल्कुल ऐसे. मोर देन दैट, यस यस. लेकिन पहला जॉब इन दिस फील्ड क्या था पहला? वैसे तो कैमरे के पीछे काम करते हैं. आई नो यू गाइस आर, आई मीन एड्स बनाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं मोस्टली. बट यू लाइक बीइंग ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ लाइक कैमरे पे होना ज्यादा? मुझे तो बहुत पसंद नहीं है कोई खास. नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद नहीं. क्यों? ये हर डायरेक्टर ये कहता है. नहीं, बल्कि उसमें जो वो फ्यूचर सिक्योर किया है भाई, कैमरे के आगे भी पीछे. ये असल में फ्यूचर सिक्योर किया है. नहीं नहीं, वो उसमें बेजारी थी, वो शो में भी जो यूनिकनेस थी वो कहते थे आप इतने बेजार क्यों हैं, तो वो नेचुरल था, उसमें एक्टिंग थी नहीं. तो मैं तरह बेजार होता था कि क्यों करना पड़ रहा है. लेकिन अच्छा, कॉमेडी की इंस्पिरेशन मतलब हर देर स्लैपस्टिक टाइप होती है, स्टैंड अप कॉमेडी होती है और बहुत तरह की होती है, मिमिक्रीज होती हैं. आप लोगों का जो स्टाइल है इट्स रेयर ओवर हेयर,
लाइक आप यू आर इंडिविजुअल्स जो अलग तरह से दोनों ये काम करते हैं और कोई इस तरह का है नहीं, और तो ये वाली इंस्पिरेशन कहाँ से है कि हमें यूं करना है, कि नेचुरल बस ऐसे ही था बगैर सोचे समझे? यार मेरे ख्याल में हमारा जितने भी दोस्तों का ग्रुप था और जितने भी हमारे स्कूल के या जहाँ हम रहते थे उधर जो सराउंडिंग में हमारे दोस्त थे सब कॉमेडियंस, सब ऐसे ही थे। अच्छा ठीक। तो वो कोई नई चीज नहीं लगी, वो सबका स्टाइल एक जैसे ही था ऑलमोस्ट, और यूं ही थे हम लोग। तो मैंने तो बल्कि मैं ना देखा ऐड करने के लिए कि हमने जब कोशिश की है ना थोड़ा उसको फिनिश करने की एक्टिंग करने की तो खराब हो जाता, तो वो खराब हो जो नेचुरल, यस यस, इसको मैं मना करता हूं, एक्टिंग ऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक एफर्टलेस, एफर्टलेस, दैट इज हाउ इट शुड बी। और वैसे भी मैं तो दुनिया का शायद वाहिद इंसान हूं जिसने दुनिया में सबसे कम चीजें देखी हैं। ये लोग इतने रेफरेंसेस देते हैं यार, वो भी देखना है, वो भी उसमें ये है, मैंने नहीं देखा कुछ भी। मुझे सबसे ज्यादा देखने से नुकसान होता है, मैं समझता हूँ कि कम देखो कुछ ना देखो, पता ही ना हो किसी के बारे में, तो सवाल कितने मजे की बात। बात ठीक है। अच्छा एक चीज ये लाइक इट हु डज योर स्क्रिप्ट एंड हु डज योर कैब, हम ये करेंगे इसकी मिमिक्री करेंगे, उसके पीछे कौन होता है? ये बड़ा नेचुरली हम जब टीवी देख रहे होते हैं ना तो अक्सर ये होता है कि यार एक दूसरे को एक ही वक्त में कोई आधे 5 मिनट के 10 मिनट गैप से मैसेज करते हैं कि यार फलाना देखा तूने, होगा था मैंने देख चुका हूँ। तो वो इतना सिंक्ड है कि वो हम अपने राइटर फैसल को भेजें कि यार ये चेक करा, उसने कहा मैंने अभी देखा है इसको, तो क्लिप या फिर वो न्यूज या फिर वो शो, हम नेचुरली वो सिंक्ड है। इस टैटू का क्या मतलब है? हम पाकिस्तान के आखिरी कोने में रहते हैं, उसके बाद आप गिर जाएंगे नीचे, वो वाला तो बिल्कुल एंड में हम। उधर कोई अपने रिश्तेदार और उस तरफ बॉर्डर, नहीं उधर रिश्तेदार नहीं, उधर वाले पकड़ लेंगे हमें। नहीं वो जगह ऐसी है कि इधर भी घर है उधर भी, तो वो कोई भाई है कोई बहन है इस तरह से रिश्तेदार, और अभी उनसे मुलाकात नहीं है। नहीं एक वक्त तक खतो किताबत होती थी हमारे पेरेंट्स की, या हमारे घर की खिड़की खुलती है ना तो सामने आपको वो जो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं जिसपे कब्जा हुआ वो नजर आता है। Do you guys go back? You live in Karachi. Karachi कब से रह रहे हो? Karachi सर हम रह रहे हैं, हमने यहाँ उर्दू यहाँ आके सीखी है Karachi में। Right. तो कश्मीरी तो कहते हैं पाकिस्तान आके सीखी, क्योंकि एक जगह है जहाँ से आप पाकिस्तान में एंटर होते हैं। Okay. तो अलग इंडिपेंडेंट टेरिटरी। Okay, okay, okay. तो वो पाकिस्तान आके हमने उर्दू सीखी है। तो फ्रांस में था ना पहले? नहीं नहीं कश्मीर पाकिस्तानी है भाई। हाँ पाकिस्तानी नहीं कश्मीर एक अलग उसकी। तो what language do you speak over there? क्या सर? एक तो वैली की जबान है, थोड़ी मुश्किल है। फिर जैसे जैसे आप पहाड़ पे आते हैं तो फिर वो चेंज होती रहती है, गोजरी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मुख्तलिफ जबान। यू गाइस स्टिल गो बैक या नहीं? जाते रहते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हमारे अपब्रिंगिंग स्कूलिंग सारी यहीं पे हुई है मोस्टली। शुरू में कोई 4-5 जमातें पढ़ी हूँ। एक बड़ा अच्छा स्कूल था, उसका नाम था KGS कश्मीर। KGS कश्मीर कश्मीर के ओपन ओपन एयर स्कूल था, थिएटर के पास ओपन स्कूल। स्टैंडर्ड ये नहीं होगा लेकिन चलो मतलब अच्छा स्कूल। नहीं नहीं सर ओपन एयर स्कूल था। ओपन देखिए जापान में आज कॉन्सेप्ट आया, जब हम छोटे थे ना तो हम वो कहते हैं जापानी की अब दीवारों खत्म कर दो स्कूल की, अब दुनिया इस तरफ जा रही है ना, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों के ग्राउंड में। तो हमने शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह वहां से किया। क्या बात, जापान में आगे चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जब ये मिमिक्री होती है पॉलिटिशियंस की तो इट्स अ वेरी रिस्की ट्रिकी जॉब, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कैन यू नो सॉर्ट ऑफ माइंड आल्सो, या कुछ लोग मजाक को सही से। तो कोई ऐसा बैकलैश कभी आया एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश? ये वैसे हमने हर जगह बोले, वैसे भाई जवाब देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराज होते हैं ना वो एक्टर्स होते हैं। रियली? अभी रिसेंटली हम एक शो पे गए थे जो ऑनलाइन शो है, बड़ा मशहूर था आबिश हाशमी, बड़ा डिजिटल पे बड़ा मशहूर। उसके शो में भी सबसे ज्यादा जो नाराज हुए और नाराज होते हैं और जिनको हमसे थोड़ी सी बुरे भी लगते हैं उनको, वो एक्टर्स हैं मोस्टली। किसकी? आपके अलावा आपने अब तक हमें माफ किया? नहीं मेरी कभी मेरी नकल उतारी वैसे? नहीं नकल के अलावा भी नहीं, ऐसी चीजें जिसकी नकल उतारेंगे कोई बात नहीं। नहीं नहीं आपकी नकल बहुत उतारी हमने आपके बारे में, इतनी इसने तो पूरी कमेंट्री बात हो सकती है। मुझे नहीं पता मुझे नकल कैसे होगी, मुझे क्लिप दिखाओ मैं उस हिसाब से इज्जत करूंगा यार। वो खूबसूरत आदमी है, सख्त मुंह नहीं बन सकता ये। मैं नहीं बन सकता खूबसूरत। अच्छा लेकिन बैक किस एक्टर का या किस पॉलिटिशियन का बैकलैश है? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वैसे जैसे पॉलिटिशियन है ना वो नाराज कम होते हैं, सिवाय पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो गैर सियासी लोग नाराज होते हैं, सियासी लोगों के ना वो बड़े तेज होते हैं। गैर सियासी से क्या मतलब है आपका? मतलब गैर सियासी लोग मेरे जैसे लोग। नहीं नहीं अच्छा
सबसे अच्छा फीडबैक किसकी नकल उतारने में, किसकी मिमिक्री करने में, या सबसे ज्यादा कि यार ये वाली आप बहुत अच्छी करते हैं? ज्यादातर लोग वैसे मौलाना फजलुर रहमान का कहते हैं, है ना, बहुत जबरदस्त होती है यार, और उसको खुद भी पसंद है बाय द वे, इसको मौलाना को लख रहमान रखी एहसन तो इतना खूबसूरत है, मुझे पता नहीं था कौन सी जमात पढ़ते हो। मिलो ना मुझसे, शुक्र है, आओ ना पार्टी करें। अच्छा, इनसे डायरेक्ट मुलाकात है? जिनकी मिमिक्री होती है लोगों से? काफी सारों से हुई है। तो they're like fine, they enjoy it। बल्कि एक थिएटर किया था उसमें फजलुर रहमान साहब को हमारे कुछ म्यूचुअल दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ा अच्छा किया ये वो, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा देखने लेकिन ऐसी जगह पे आके बैठूंगा कि नजर ना आओ। तो हमने कहा उनको कर देंगे हम सिस्टम, लेकिन वो मसरूफ से नहीं आ सके, लेकिन मोस्टली जानते हैं जाहिर है वो जाहिर है, वो इतनी कोई परफेक्ट आवाज निकाल रहा हूं। अच्छा, यू आर आल्सो डायरेक्टिंग, यू गाइस हु इज डायरेक्टिंग मोर फिल्म? और मैं करता हूं सर। यू आर डूइंग इट, क्या किस चीज पे काम हो रहा है? कोई कोई बहुत जबरदस्त चीज अभी एक मजेदार एक हम सीरीज पे काम कर रहे हैं, थ्रिलर एक, ठीक है, उस पे काम कर रहे हैं। इससे पहले कुछ एक डिजिटल मीडिया मीडियम के लिए कुछ एक छोटी फिल्में भी की हैं। जियो के लिए हमने फिल्म जब शुरू की थी पाकिस्तान में फिल्म बनती नहीं थी, तो हम छोटे कैमरों पे प्रॉपर हमने एक इलेक्शन 2013 में एक फिल्म बनाई थी पहली, 2011 में एक फिल्म बनाई थी प्रॉपर फिल्म स्टाइल। बट अच्छा, अगर नए लड़के लड़कियां जो आना चाहते हैं और उनका कोई बैकिंग नहीं है या कोई उनको जानता नहीं इस फील्ड में, तो हाउ इजी इट इज टू एंटर दिस फील्ड? मुझे लगता है अब जो है बड़ा आसान हो गया है, अब ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब आपको वो मीडियम की कैद नहीं रही ना, अब आपको टीवी चैनल पे नहीं जाना पड़ता किसी जान पहचान, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो आप ऑटोमेटिकली, आपने अगर कोई अच्छी चीज बनाई है तो वो अब देख लें टिकटॉक ने, कोई अच्छी नहीं भी बनाई तब भी वायरल, नहीं आपने कोई अच्छी चीज नहीं बनाई या किसी ने कोई आपकी कोई चीज बना ली, हां ये अच्छी नहीं भी बनाई तो चुपके बना ली। अक्सर लोग आजकल सीसीटीवी फुटेज पे हिट हो जाते हैं सर, सीसीटीवी फुटेज, ये भी अच्छा है यार, तो आजकल आसान है मशहूर होना ना सर। देखें यहाँ एक सिनेमा का मसला है, दूसरा जगह का। वैसे उल्टा हो गया पता है, मैं वो हमारे दोस्त से शायद अफरीदी, वो कहते हैं कि यार अब जो है ना वो जिंदगी में ना एक बंदा वैसा वो कोई अपनी तफरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग फौरन हर वक्त यार, वो हमारे साथ एक चाय के होटल में बैठा हुआ था, उसको बड़ा शौक था बाहर बैठने का, तो वो कैप शैप पहन के, सर्दियों का दिन थे लास्ट ईयर से भी पहले, तो बैठा हुआ था और बातें कर रहे थे, किसी को नहीं पता कि लाला है। एक बंदा अचानक पीछे से आया और बगैर पूछे यहाँ कैमरा किया, मुंह बराबर में लाया, तस्वीर खींच ली। देखो यार, वो कह रहा है यार मतलब पूछ तो कोई फ्रीडम कोई हो, ये ज्यादा हो, ये हो ज्यादा हो गया, हर जगह हाँ। फोन निकालने हर एक के मुंह पे, टाइम्स यू आर विद योर फैमिली, कोई फ्रीडम ऑफ करीब मुंह भी कोई एक चीज है यार, कम से कम नहीं लगाने चाहिए कैमरे। अब मैं तो कह रहा हूँ आप भी खास जगहों पे फोन बिल्कुल बंद कर दिया करें, और ये अपने ये टीवी, मैं सोच रहा हूँ खास जगह कौन सी, मतलब कहीं आप किसी से कोई मिलने गए, कोई मतलब बहुत नहीं नहीं ये पक्के काम कर रहे हैं ऐसे नहीं, अब तो बेचारे लोग हाईवे पे सर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में जो मर्जी कर रहे हैं उनकी वीडियो बाकी, तो आजकल लोग महफूज नहीं, अपने घरों में महफूज नहीं लोग। अच्छा, अगर अभी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में क्या फीडबैक होता है, यू गाइस डू स्टैंड अप कॉमेडी एज वेल, उसका क्या? इसकी ऑडियंस हमारे मुल्क में बहुत कम है, कम है ना, कम है, बहुत कम है, लोग आते हैं देखने के लिए, खास है सर, खास एक तबका है जो देखता है, दे एंजॉय दैट, वो उनको बड़ा पसंद आता है। अच्छा, इंडियन से बहुत अच्छे हैं हम लोग, ये मैं बताऊं आपको, हां स्टैंड अप में, यस इंडिया में ह्यूमर है ही नहीं, है ही नहीं, पाकिस्तान no का ह्यूमर चाहे यहां का हो जैसे आप लोगों का है, ये, या ये, पंजाब ऐसा, का ये कोई बायसनेस नहीं है, ये मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं कि आप वो देखें, वो याद करके आते हैं बेसिकली, वो याद करके सोच रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखें, और फिर वो इतना अच्छा ह्यूमर नहीं है। एक और काम भी हो गया है कि ज्यादा अच्छे हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी या डिजिटल मीडियम पे फिल्में, इसको ना इन्होंने गंदी चीजें डालने को, पता नहीं क्यों डर्टी, वो क्या आपने अगर स्टैंड अप करनी है तो गंदी बातें कर, लेकिन ये कहां से आया ट्रेंड, ये पाकिस्तान में तो वो अंग्रेजी वाली गंदी बातें तो फिर भी काबिले, अच्छा अंग्रेजी में सुनने में फिर भी नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन अगर आप हमारी लैंग्वेज, उर्दू तो वाली जबान है ना, हां वैसे स्टैंड अप के लिए बड़ी इच्छा, आपने सेटअप बहुत अच्छा है, हां। अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताएं, फ्यूचर में क्या ऐसा कुछ करने का प्लान है? शोज भी हो गए और यू गाइस हैव डन सो मच, I still feel you guys have done less. मुझे ऐसा लगता है कि right. आप लोगों को और ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कमी है अच्छे ह्यूमर तो की। वो नहीं करने देते ना सर, बैन हो गया, अब हम नहीं कर सकते शो टीवी पे, कैसे करेंगे, लिमिट होती है ना तुम लोग भी तो हद से ज्यादा पढ़ रहे हो, क्या सही कह रहा हूँ, लेकिन आज तक जो हमारा जो भी ह्यूमर है ना वो फैक्चुअल है, वो किसी भी फैक्ट की बुनियाद पे क्रिएट होता है, हम किसी भी हवाई बात नहीं करते, बेसिकली ये ह्यूमर एक क्रिटिसिज्म भी होता है जो कि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, तो बेटरमेंट के लिए भी होता है, दिस इज अनदर वे ऑफ यू नो शोइंग थिंग्स टू पीपल, बट इन अ वेरी, जैसे अनवर मकसूद साहब जब हमेशा अपना स्क्रिप्ट बहुत पहले भी उनकी हम जब होस्टिंग सुनते हैं तो एक अंडरकवर एक मैसेज होता है ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे जुमले में, तो वो एक
क्रिटिसिज्म भी होता था लेकिन कंस्ट्रक्टिव, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, बताए ना। नहीं नहीं बिल्कुल बोले ना यार, नहीं मैं तो कह रहा हूँ वाकई ऐसे ही ऐसे ही एग्जैक्टली। अच्छा, वी डोंट नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली, सो आपकी पर्सनल फैमिली मतलब हाउ मेनी सिब्लिंग्स एंड आर यू गाइस मैरिड, थोड़ा सा लोगों को बताएं अपना। पहले आप बताएं, पहले आप, पहले बड़े भाई। यस यस, मेरी एक बेटी है। अच्छा माशाल्लाह, और कब हुई शादी? काफी पुरानी बात हो गई अब तो, 2008 में। ओके, एंड इट वाज अरेंज मैरिज और इट वाज अ लव मैरिज? नो नो, इट वाज अ लव मैरिज। ओके ठीक है, उसके बाद अरेंज की ना, जगह वगैरह ये ऑफिशियल जो है मेरी वो एक है, एक ये भी होता है ऑफिशियल एक है। नहीं नहीं, मेरी भी शादी यार बेगम सुन भी रही होगी, वो ऑफिशियल वो पूछेगी ये क्या, ये इसमें भी मजाक। जो लोग तनकीद करते हैं ना वो जरा ऐसी बातें कम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म की जनरेशन उन्होंने बना दी है ये तो घरों तक, फैमिली तक आया थे, तो मैं कभी शेयर नहीं करता अपनी किसी फैमिली की तस्वीर या कुछ, ये माहौल ही हो गया। आपके साथ अभी पिछले दिनों आपने खुद डिजिटल मीडियम पे देखा था, वो क्या बातें हो रही थी, आपने उसका जवाब भी दिया। तो ये जो हमारे लोग हैं ना, अभी कितने को अजीब सा माइंडसेट बन गया कि अभी अगर आपसे मसला तो अटैक फैमिली पे कर। नहीं बट वन थिंग, ये माइंडसेट कोई अभी थोड़ी बना के एक दो साल, अरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात करने का मकसद वो है कि फैमिली तक नहीं। फिफ्थ जनरेशन वॉर है, इसका नाम ही ये रखा हुआ उन्होंने, फिफ्थ जनरेशन वॉर। क्या है ये, आपको मुझे गालियां देने की वॉर? नहीं वो हुआ क्या, वो मैं क्या नाम है, मुझे एक बंदे ने वो किया, मैंने देखा कि उसके फॉलोअर कम थे, तो कह रहे हैं कि तुम जो है ना बाहर क्या मांगने गए हो। मैंने उसके इनबॉक्स में गया, मैंने कहा आपकी बाजी का रिश्ता। उसके बाद मैंने सॉरी यार टाइपो हो गया, माफ कर देना, दिल विल बनाया वो आगे से उसने भी दिल बना दिया यार, आप कितने अच्छे हो। अच्छा वो खुश हो गया इस बात? हाँ सर, ये मेरे, ये मैं आपको ट्विटर खोल के देता हूँ अपना, और मेरी कोई भी लास्ट ट्वीट के अंदर जाएं और लोग देखेंगे किस किस्म की गालियां देते हैं। आई एम हैप्पी, एक नई नई यूनिकनेस, कम वो वाली नहीं, किस किस्म की दे रहे हैं, अच्छी वजह ये कि तन्कीद, वजह ये तन्कीद सर, तनकीद का कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे मुल्क कर दे तो फिर आप। अभी जब हम उस डिजिटल मीडियम के उस पे शो पे गए थे, उसके बाद वो फनकारों ने इतनी तनकीद की, किसी ने कोई मजाक में बोला, किसी ने बोला मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, फैजल कुरैशी जैसे मजाक ही क्या होगा, इन शो यार ये मुझे मिल जाएंगे मैं मारूंगा, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये एक माइंड सेट है जो बनता है। ऐसा कर नहीं सकते ऑब्वियसली, वो हमारे दोस्त हैं, ऐसी मसला नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, माइंड सेट है कि खुलेआम किसी को भी आप कोई भी बात कह दें, तो ये माइंड सेट बनता जा रहा है ना। यानी कि आपका और मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है कि हम कोई ऐसा जुमला किसी प्लेटफॉर्म पे लिखें किसी के बारे में, मैं आज़म खान को छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी, आप ऐसी बात नहीं कर सकते किसी के भी बारे में। चलो यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, निकला यार एक ब्रेक लेके छोड़ना, हमारे साथ ही देखते हैं। झूठ का झटका जो है, झटका तो अलग है, लेकिन उससे पहले मुझे एक झटका लगता है, वो ये कि कभी मैं किसी को कुछ बनाता हूँ, कभी किसी को कुछ बनाता हूँ, एंड में लोग मुझसे पूछ रहे हैं यार मैं कौन हूँ। अब मुर्तजा एज मुस्तफा एंड मुस्तफा एज मुर्तजा, समझ आइए बात की, बड़ा बुरा देना क्या ठीक है, और इसमें करंट है। हाँ इसमें करंट है, जो कि कहीं भी बाल मेरे वैसे ही पहले से करंट शुदा है, उसको जरा अच्छी तरह पकड़े, ये करंट कहीं भी लग सकता है, याद रखना ठीक है। आप ही पकड़े, मैं महफूज बैठा हूँ क्या? अच्छा नहीं, आपने कौन से वाला पकड़ा? एक सेकंड यार, दोनों ने, हाँ ये जरा आप चेक करें, टेस्ट करें उस पे। टेस्ट कर लिया सर। लग रहा है? हाँ, अब आप भी टेस्ट करो भाई। नहीं, भाई ये एक्टिंग थी। नहीं, नहीं, ये एक्टिंग थी। यार इसमें लाइट आ रही है वैसे, साफ पकड़ गया एक्टिंग, लाइट आ रही है शहर में जिसमें लाइट आ रही है। नहीं मैं समझ गया हूँ कि इसकी साइंस जो है ना वो क्या है, वो असल में यूं पकड़ेंगे ना तो ये दो जो पार्टन से लगेगा तो आप यूं पकड़ रहे हैं। अच्छा जी मुस्तफा एज मुर्तजा, मुस्तफा पहला सवाल एज ये मैं मुर्तजा, ठीक है। खवातीन मुझे देख के कहती हैं बहुत बड़ा गेमर है। तुम मुझे कुछ कर रहे हो? एरू क्या एरू? मतलब गेमर भी लगता है क्या मैन? अच्छा है, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे, इसलिए बटन नहीं दबेगा? नहीं दबेगा। ठीक है जी, मुर्तजा एज मुस्तफा मेरा फेवरेट एक्टर, यानी इसका फेवरेट एक्टर, इसका फेवरेट एक्टर है नुमान एजाज। झूठ, अबे झटका तो लगाओ सही तरह, ये पकड़ ही नहीं रहा।
नहीं है फिर कौन है? और बहुत सारे हैं, नाम ले लो कोई एक। यार शान भाई अच्छे शान था वैसे, लटका लगना चाहिए। मुस्तफा इज मुर्तजा, नहीं मुर्तजा इज मुस्तफा ना। थोड़ी देर बाद जब उल्टा हो जाए, आधा हो जाए तो लोग पूछेंगे मैं कौन हूँ बल्ला की जाना, मैं पूछूंगा कौन कौन है। इतना नाम दोनों का थोड़ा है कि मुझे भूल गया, मुस्तफा और मुर्तजा। अच्छा I know, of course, मुर्तजा एज मुस्तफा। मायरा खान से बस ये पूछना चाहता हूँ, मैंने जवाब दे रहा है इसलिए भूल गया। आप दे दो जवाब इसके लिए। वैसे आई आस्क्ड यू, मुझे पूछा ना हमने, मायरा खान से ये पूछना चाहते हैं कि आप इतनी अच्छी एक्टर कैसे हैं? ठीक है, अब है जी मुस्तफा इज मुर्तजा। इंडस्ट्री की किस कंट्रोवर्सी पे हंसी आती है या आई कभी? कंट्रोवर्सी शाम के अखबार पढ़ के हंसी आती है। शाम का अखबार अभी को पढ़ता है? ये पढ़ता है। यार ये इसमें पता नहीं क्या हुआ, इसकी फेवरेट खबर पता है क्या, करंट लगा रहा है, ज़मीमा छप गया है। इसकी फेवरेट खबर नहीं नहीं, तितलियों वाली खबरें हैं, तितलियां गिनती गाड़ी और उस तरह की। नहीं ये गलत बात कर रहा है, आई नो, इसको लगा जोर का झटका है, जोर का लग ही नहीं रहा उसको। नहीं नहीं लग रहा यार, व्हाट द हेल मैन, आई लग गया लग गया। तो फिर क्या है सच इंडस्ट्री की, सर कौन सी कंट्रोवर्सी? नहीं हां बताइए कंट्रोवर्सी कौन सी, कंट्रोवर्सी पे हंसी आप बताएं। आपको ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी आप क्या कहेंगे, कोई इसको स्टेटमेंट कहेंगे या क्या? एनीथिंग दैट यू थिंक इज फनी। हमजा बासी के झूठ। हमजा बासी ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, ये भी एक, और फिर वापस आ गए, फिर छोड़ दिए, इजाजत लेकर आया वापस। किससे? ये कोई बंदा है, कोई किसी को नहीं पता कौन है। आज कौन सा दिन है, याद रखना ये तारीख। अच्छा जी मुर्तजा एज मुस्तफा, मेरी चिड़। अच्छा इसकी चिड़? नहीं नहीं आप कहीं, मैंने बतानी है। आपने बतानी है? बताओ जा जी। ये क्या है? पता नहीं, अभी आई है जहन में। ये क्या है? नहीं ये होगी इसकी चिड़, बचपन में बोलते थे ये वाली चिड़ पे आ गई, ये वाली चिड़ पे आ गई, डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसी बचपन में बोलते थे, आई डोंट नो क्यों। तो ये सच है? हां सच है। किस पे नहीं दबेगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, मैं तो ऐसी दबा रहा हूं बहुत। ओके जी मुस्तफा इज मुर्तजा, सुबह सोकर उठा तो साहिर लोदी था, दिल ने कहा काश मैं शाइस्ता होता। मैं तो उठी लेट रहा हूं, ये रात में उठ रहा है इस वजह से मैं चारों के सही। यार साहिर भाई बहुत अच्छे आदमी है यार, कब कहा हमारा अपना शाहरुख खान है, हमें इसमें फखर करना चाहिए। वो वाले सीन जो था, हमारे पास क्या नहीं है, चार मौसम है, हर फल है, शाहरुख खान है। यार मैंने उनको एक दफा देखा, मैं आपको बताऊं, एक दफा देखा था, नहीं देखा तो बहुत दफा है। वो कोई वो नहीं होते अपना पेट्रोल पंप पे जो शॉप टाइप होती है, उधर कुछ ले रहे थे और गलती से उनका हाथ यूं लगा और डबल रोटी गिर गई। अब उसको वो यूं उठा के भी रख सकते थे, लेकिन सर कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने कहा यहाँ पर भी शाहरुख बना है। यार झूठ बोल रहा है, इतना अच्छा आदमी है। किया है उन्होंने, ये किया है, ये किया, ये करने में क्या है यार, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत देखता है, ये बहुत देख रहा है, पंप पे भी देखिए, टीवी भी देखता मैं इसको, डायरेक्ट किसी दिन आ जाएगी ना तो पहले से देखता रहता है कि मैं भी गया था पंप। नहीं इसकी मैक्सिमम क्या आएगी बताएं, कोई सिगरेट चोरी करने की आ जाएगी, वो वाली मुश्किल, ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, दूसरी तरफ मुश्किल है। अफसोस हुआ यार, अफसोस हुआ यार, साहिर भाई बहुत ग्रेट आदमी है, ये स्विंग ही नहीं करता, सब कुछ कह कर आके बाद में सारे ग्रेट बन जाते हैं यार ये, सीरियसली। हाँ ठीक है जी, ओके जी, अब मुर्तजा एज मुस्तफा, वो कौन सा जुमला है जो लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट और आपके लिए इंसल्ट है? कि आप बहुत हंसाते हैं लोगों को, ये कॉम्प्लीमेंट इनके लिए हुआ कि मैं हंसाता कब हूँ, मैं तो सीरियस हूँ, ये तो सारे वो काम कर रहे हैं जिनके पास मैं। There you go. यार किसी को झटका ही नहीं लग रहा यार, कोई एक सब सच कह रहे हैं, वैसे ही लगाओ झटके एक दूसरे को, तो इनको सख्त झटकों की जरूरत है। लगाओ ना, ठीक है लग रहा। अच्छा ये भी कहता है कि ड्रामे ने जो ना एक्टिंग मार दी है लोगों की, जो अच्छे एक्टर है ना वो जिस पेज पे उनको एक्टिंग करनी चाहिए वो ड्रामा में बिल्कुल लो कर देते हैं, तो वो सिर्फ जो है ना खराब कर देते हैं, अच्छे एक्टर्स खराब भी हुए हैं। You think so? ये कहता है, मैं बिलीव कर रहा हूं, स्क्रिप्ट का मीडियम और उसका बना दिया। गिव मी एन एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल परवेज,
यस सीनियर है। नहीं 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 वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वैसे जो है ना ड्रामे के अंदर वो है, बचपन से एक जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, सीनियर है वो। नहीं नहीं बोल सकते हैं लगता है मुझे कि ड्रामे के अंदर आपने मार्जिन को एक्टर के बहुत कम कर दिया, आपने उसको इतना इस फ्रेम को इतना आपने इस लेवल पे ले आया कि तो स्क्रीन प्ले वैसे ही ड्रामे का हिस्सा ही नहीं रहा, वो तो वैसे ही नहीं था और आपने खत्म ही कर दिया। हर बात आपने बोल के करनी है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम बाहर आ जाओ, हर चीज को ना हमने बातों में कर। चाय पी लीजिए तो वो ना उसके बेचारा एक्टर जो है ना उसके वो जो स्क्रीन प्ले उसकी मूवमेंट उसकी वो सब खत्म कर दिया, तो ड्रामे वाले बड़ा अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे इकरा अजीज वो आपने उसको एक वो करके ना जब वो बाहर आता है ना, जैसे हम कभी अक्सर एक्टर्स के काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिंग उस तरह एफर्ट ज्यादा हो गया। मुझे ये लगता है कि एक्टर्स की अपनी भी बहुत जिम्मेदारी थी, जब आप कैरेक्टर पढ़ते हैं तो फिर आप बनाते भी हैं उसको, अगर आप वैसे ही बनाए बगैर ही कैरेक्टर को लेके आ गए हर जगह एक जैसा लगेगा। फिर आप में और शायर में क्या मतलब, क्योंकि मेहनत नहीं है जो करनी थी। अच्छा एक बंदा मिला था कसम से, सीरियसली हसन भाई एक बंदा मिला था, कह रहा है मैं शायर को उस वक्त से जानता हूँ जब वो अमिताभ बच्चन था, ये अमित था पहले भाईजान, ये ऑपरेशन से शाहरुख बने, पहले अमित था ये। नहीं यार गुड मैन, ये नया स्क्रीन प्ले आ गया है, वो जो पुरानी फिल्म है जिसने कि ऑपरेशन से कुछ चेंज हो गया, फेस आवाज भी बदल गई, कद भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। हालांकि यार रंग चेंज होते रहते हैं, हमारे एक्टर्स रंग बहुत चेंज कर रहे हैं उस तरह नहीं, मैं टीको वाले रंग की बात, टीको वाले रंग सर, मुझे आप जैसे लोगों ने आके मंजरा कर दिया ना कि गोरा ही होना चाहिए बंदे को, आप लोगों ने वो सिर्फ बैलेंस खराब कर दिया ना, इतना कोई गोरा होता है बंदा यार, अक्सर तो खड़े होते मैं लगता है कोई बंदा कमर नजर आ रही है किसी की, ऐसे क्या होता है यार। आप देखिए टैनिंग की तरफ आए, टैनिंग की तरफ आए, आपने मसला कर दिया, आपकी तो खैर है, अब वो टीके तो हम जैसे लोग हुए हमारे दोस्त और है एक रोज लगाने पड़ते हैं उनको यार। This is very wrong. बाल्टियों का सीन आ गया। Pluto पता नहीं क्या किसके लगा पे। यार जो आप खुद होते हैं आप वो रहे ना, आप उसमें टैलेंट, आप उसमें ये क्या कि दूसरे को देख के नहीं, हमारे अच्छे अच्छे थे बड़े प्यारे कुछ लड़कों के कलर थे, उन्होंने अपने आप को ज्यादा गोरा कर लिया, I don't know why. ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत मेकअप होता है स्क्रीन पे आने के लिए, यू नो दैट। नहीं मेकअप नहीं, स्टार थोड़ा अलग भी तो लगना चाहिए। टीके टीके टोक नहीं वो नहीं कर रहे हैं, वो इसका मकसद कह रहे हैं वो लगाएं टीके, भैंसों वाले ना लगा वो ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो रहा है। वेरी रॉन्ग यार, मुझे लग रहा है मैंने किसी नाम नहीं लिया, मुझे लग रहा है मैंने किसी गहरे पूल के अंदर छलांग मार रही, मैं स्विम करके बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। नाम नहीं ले रहे, किसी का नाम नहीं ले। हाँ यार प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी कहाँ थे हम लोग, कौन कौन था पता नहीं, हम किसी पूल में कूदे थे जो गोरे होने के टीके पड़े हुए थे। अब तो बात टीकों से आगे निकल चुकी है, नाक फुलाना ये वो, नोज जॉब ये जॉब ये जॉब, वो तो थोड़ा वो तो आम लोग भी कराते हैं, अगर किसी एक्टर ने करा लिया तो क्या हो गया यार। मैं वो एग्जांपल दे दूं ऐसे, आई डोंट नो किया होगा नहीं किया होगा, मैं एज अ लेमैन, वो एक बड़ा अच्छा एक्टर है रणवीर कपूर, उसके यहाँ पे नोट करिए एक निशान पड़ा हुआ है, वो आज तक उसका सुपरस्टार क्या एक्टर है उसमें कोई शक नहीं। नहीं तो रेफरेंस पॉइंट इंडिया क्यों है हमारा, क्योंकि हम जरा इजीली वो कर लेते ना उनसे, हम एसोसिएशन तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ एक और मतलब एसोसिएट करते हैं यार। नहीं एक्टर जो है वो वहां से एंडोर्समेंट चाहता है इंडिया से। हाँ वो तो है ना, अगर मेरा काम वहां देख, मैं एक बात कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हम और की गोरे की मिसाल शायद नहीं है मौजूद, अपनी मिसाल आप क्यों नहीं बनते, ये भी आता है ना, ये भी होता है, हम अपनी मिसाल आप क्यों नहीं बनते। नहीं वैसे है सर उसके तो नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें अच्छी लगती है खराब हो जाती है। एक एक और सीन भी है, जब वो इंटरव्यू दे रहे होते ना तो अब ये नॉर्मल बैठे तो यहाँ क्यों खुजाते हैं, जो हॉलीवुड वाले भी खुजा रहे हैं। खराब हो जाता मसला, अभी इतने शॉर्ट जितनी हमारी एक्ट्रेस के देखेंगे ना तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगी कौन है ये, इतना अगर एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया, या तो डॉक्टर चेंज करें या फिर ना करें, ये कौन सारे वहीं जा रहे हो सब बता रहे यार। आपने चिप लगवा लिया, आपने ये मेरे लिए शॉक कर रहे हैं, मुझे लगाओ करंट को लगाओ, ये मुझे लग रहे झटके यार। आपने चिप टू व्हाट्सएप सेम है, चिप डलवा लिया आपने, ये है कोरोना वाली, कम ऑन मैन वैक्सीन ना, आई हैव गॉटन माय, वो मेरा दोस्त कह रहा है कि यार ये आप देखेंगे, मैंने कहा तुझे नहाते हुए देख के क्या करेंगे,
तूने ऐसा क्या काम किया है? बाकी पाकिस्तानियों की परेशानियां चेक करेगा, वो जो देख रहा है उसको उल्टियां होंगी और क्या नुकसान है जो मुल्क के खिलाफ है ना, जो तुझे देख के उल्टियां होंगी उनका नुकसान है। ऐसा गुड यार, ऐसे ही चले। हाँ सही है बिल्कुल। और वो तो तंग आ गए क्योंकि हमारे लोग हर वक्त तो खर्च करते रहते हैं, तो उनको इतनी आवाजें आ रही वगैरह, तो फक मैन यार, बाज औकात तो वो ऐसी ऐसी जगहों पे खारिज करते हैं, वहाँ आती नहीं जा सकता। नहीं मतलब ये इधर कहीं ये देख रहे ना, चाबी का यूज आप इससे शो कर रहे हैं, यहाँ कभी कान स्टार्ट कर रहे हैं, कभी नाक, कभी पता नहीं कहाँ, मतलब ये गलत कर रहे हैं, ये चाबी के साथ गलत लॉक खोल रहे हैं। स्टार्ट भी होते कभी कभी कार पे ना डाले, इतनी चाबी ना डाले, सही है। अच्छा जी मुर्तजा एज मुस्तफा, सवाल है, मुझे अगर इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ूंगा। स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ूंगा, वो तो शान ही है, ये अहले शान है बेसिकली। अहले शान मैंने किया अहले शान, शान के बहुत बड़े फैन है। अच्छा अच्छी बात है, अहले शान, अहले शान है। You won't even read the script and you'll work with him. That's it. मुझे बहुत सारे एक्टर ऐसे लगते हैं जिनके काम करने का मौका मिलेगा। सिनेमा के लिए वो यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी उनकी आज, हुमायूं सईद तो बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, बट मुझे लगता है अभी भी वो एज अ एक्टर को और हां नहीं किया उनको, अनफॉर्चूनेटली ही हैज अ लॉट टू शो येट। एक होता ना सब कुछ सामने नहीं आ गया ग्रेजुअल। अच्छा अब उनकी एक और बात अच्छी है कि वो हर जगह एक्टिंग नहीं करते, कुछ तो हमारे एक्टर हैं जिम में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब वो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं उसमें भी एक्टिंग कर रहे हैं। आई स्वर टू गॉड मैंने खुद देखा जिम में एक्टिंग, वहां नहीं करनी, उधर नहीं करनी, वीडियो बन रही होती है नहीं, ये सोशल मीडिया सर, इसमें समझने की बात है, एक माइंड सेट है। वो जो लड़का लेट के बाइक चला रहा है उसको ये लग रहा है दुनिया की हर बच्ची मुझे देख रही है, इसीलिए वो लेट के बाइक चला रहा है। ठीक है जी मुस्तफा, एज मुर्तजा अगर किसी लड़की ने कहा आई लव यू तो मेरा जवाब क्या होगा? मी टू, मैं तो सुनना ही चाहता हूँ। मी टू, मी टू, यानी कि मुझ पर इल्जाम लगा दिए इस बार। ऐसे ही बोलोगे अगर लड़की बोले आई लव यू तो फौरन बोल दोगे आई लव यू टू, ये कैसे हो सकता है? ये पहले उसने बोल दिया, मैंने ही करना था ये गेम तो मैंने करना था। इतनी जल्दी नहीं, सही बोल रहा था, सही बोल रहा था। हाँ अग्री। इस टैटू का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सदा बाग बहार, आपको पता है हमारे वैसे एक्टर, आपने मुझे क्या तालीम से बड़ा दूर है लेकिन आपको पता है बड़ी बात। कोई नहीं पढ़ते यार, फॉरवर्ड मैसेज और फेसबुक पोस्ट के अलावा हमारा अगर आप अपनी जिंदगी का आगाज मियां मोहम्मद बख्श को पढ़ के करें तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये आप बड़ी बात है, आई एम रियली इंप्रेस्ड के यार, आपको पता है। ठीक है जी मुर्तजा, अच्छा आप सॉरी आप यहाँ कब जाते हैं ऊपर? इतनी बड़ी आपने बनाई हुई, जाते भी हैं अभी बनाई हुई है? नहीं जाते हैं, बस जाना है। कॉफी शॉफी के लिए जाना अभी चाहिए, ले जाएंगे आप। मैंने कहा इतनी बड़ी जगह बनाई, जाना चाहिए, ले नहीं जाना है। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं हुआ। वैसे ट्रायल इट्स वेरी गुड, इट्स नाइस, यू लाइक द प्लेस, वेरी गुड, यू कैन लुक अराउंड, इट्स ओके। देखने के कोई वो ऐसा पैसा नहीं, देखने के पैसे नहीं है, क्या रहने के पैसे। अच्छा ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुर्तजा एज मुस्तफा, अच्छा एक्टर हुमायूं फहद या फवाद? मुस्तफा के लिए हुमायूं मेरे ख्याल में। हाँ तीनों अच्छे हैं हुमायूं भाई, लेकिन थोड़ा सीनियर जा रहा है मेरे ख्याल में, मुझे लगा हुमायूं शायद। सही बोला है, हुमायूं भाई कर दे। नहीं एक्टर वो दोनों तीनों बहुत अच्छे हैं। हाँ वैसे नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ नो डाउट, बट हुमायूं स्टैंड्स आउट, यू थिंक ही इज ओके। फहद इज वेरी गुड एक्टर, फहद को ज्यादा यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल में। बहुत ये वाला सीन भी है, फहद को ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये क्या बात है। छोड़े यार, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है जी मुस्तफा से सवाल है,
हमारी मुस्तफा एज मुर्तजा हमारी इंडस्ट्री में किस चीज की कमी है? जगह की। आपके पास है इसे। मुर्तजा एज मुस्तफा शोबिज में सबसे ज्यादा गुस्सा किसका खराब है? किसका खराब है गुस्सा? हाँ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये इसको क्या लगता है? इसको लगता है कि बुशरा अंसारी का गुस्सा काफी आई, उनको तो गुस्सा ही नहीं आता, उनको कभी गुस्सा नहीं आता उनको यार, उनको एक ही दफा आया हम लोगों पे, बाकी नहीं आता। शी इज अ स्वीटहार्ट यार, ऐसा मजाक कर रहा है ऐसे। क्या बोला, क्यों आया गुस्सा? ऐसे ही तंग करता है ना, बिजी क्यों की तरह। हां ये बड़ा साहब को इन्होंने कह दिया अनवर अनवर करके लड़का है, क्यों तो ऐसी गुस्सा तो आएगा ना यार। ठीक है नेक्स्ट, इनकी एक्टिंग से बिल्कुल दिल खुश नहीं, ये मुर्तजा बताएगा? हाँ दोनों दोनों जवाब दे सकते हैं इसका। एक्टिंग से दिल खुश नहीं मुस्तफा एज मुर्तजा है ना, यू टेल व्हाट डज ही थिंक एंड यू टेल व्हाट डज ही थिंक। इनकी एक्टिंग से दिल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, लॉन्ग लिस्ट। एक या दो नाम चलो ऐसे, अगर दिल से खुश नहीं है मतलब जो सही है। यू डोंट लाइक इट यार, नाम ले लेंगे मसले यार, ले नाम यार, वैसे कहते कि नहीं है खुश, बस नाम ले 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 यार, कौन सा मैंने अरे ले ले, आज तूने दुख रखी थी, अरे आज तूने पर्दे वाली शर्ट पहनी, नाराज है, ले 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 ले, कल बड़े नाराज हो जाते, नहीं 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 बड़े नाराज है। अच्छा सो यू टेल एनीवन हु यू थिंक इज नॉट अ ग्रेट एक्टर एंड स्टिल, नहीं सारे एक्टिंग तो कर ही रहे हैं सारे, अच्छी अच्छी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, अपनी जगह पे जो के होता है वो ले ले कर रहे हैं सीरियसली। एक तो खातून का इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रही है मैं तो बाहर अकेले शॉपिंग करने के लिए निकल नहीं सकती, यू नो इतना रश लग जाता है, नाम नहीं पता उनका। लेकिन नहीं निकल सकती, अच्छी वो ये प्रॉब्लम है, बड़ी फेमस होगी इसका, फेमस है ना आजकल तो। फेवरेट कौन है खवातीन में से? सारी अच्छी हैं यार, वही तो इकरा अजीज, बहुत पसंद सोनिया, इकरा अजीज शी इज वेरी गुड, यस सोनिया हुसैन भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुर्तजा अपनी कोई बुरी बात जो दुनिया को नहीं पता, इसकी कोई बुरी बात जो दुनिया को नहीं पता चाहिए? इसकी जो बुरी बात जो दुनिया को नहीं पता, बहुत सुस्त काहिल और जो ना काम करने वाला एक, और ये हां हां ये डांट रहा है, डांट रहा है दे ये दियो जीरो जीरो, वो पाकिस्तानी स्टाइल भाई, मैले तो मैले ही रहे नॉट एट ऑल। तो जनाब यहाँ पे अभी करंट को जरा रखते हैं साइड पे, नेक्स्ट गेम की जाने पड़ेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Welcome back. हमारे साथ ये दो भाई जो मौजूद हैं, सुपर टैलेंटेड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट्स कभी जो दिल में आती हैं आप दे देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, और हो सकता है मुझे भी पसंद ना आई हो, लेकिन वो स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। कभी ये सोचा कि यार मैं ये लिख रहा हूँ ट्विटर पे और ये जो है ये बहुत से लोगों की दिल आजारी कर सकती है बात? बिल्कुल। तो फिर सोचा फिर लिख भी दिया, क्योंकि ट्विटर पे लिखा हुआ था ना व्हाट्स इन योर माइंड, ये इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने उसी वक्त कर दिया, राय जाती है उस पे लिखा हुआ, वो आपने उस पे लाइक प्रैक्टिकली बिलीव किया कि व्हाट्स इन योर माइंड, बस जो ज़हन में है वो लिखो। हां हां, डू यू थिंक अगर ये प्रैक्टिस सब लोग शुरू हो जाएंगे तो बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, हर एक के बारे में कुछ भी बुरा लिख दो, यानी अगर एक किसी इंसान की एक फॉलोइंग है आप उसके बारे में बुरा लिख दिया, अगेन फैक्चुअल है, यानी अब सबकी अपनी भी राय है। नहीं अब मैं कहूं एहसन खान जो है वो एक्टर नहीं, तो मैं बिल्कुल ही कोई चवल बात करूंगा, मेरे ख्याल भाई वो ड्रामे किए हैं उसने, फिल्में मैं ये कह ही नहीं सकता आपको। भाई सही है। अच्छा भाई इसमें मिर्चे खाएंगे आप, तबाह के यार आप फवाद का बदला मुझसे ले रहे हैं आप? लूंगा मैं, आप मैं इसको खिलाओ भाई, वैसे हम लोग कश्मीरी हैं, मिर्चे मिर्चे हमारे मसला नहीं है कोई, हाँ ये फ्लॉप हो जाएगा आपको। हमारा शो तो हेट ऑफ फिकर नगर है, ये एपिसोड तो सुपर मेरे, ये सेगमेंट की बात है, इतनी ज्यादा थोड़ी हो गई, लेकिन नहीं ये वैसे इतने स्पाइसी नहीं, हमने बड़ी इजी सॉसेस रखी हुई हैं, पहले दूध पीने लगा भाई, ये ले भाई आपको कितनी मिर्च पसंद है ये जरा गौर से देखें, मिर्च तो आपको पता है ना एडिक्टिव भी होती हैं काफी इसमें, हां एग्जैक्टली ऐसी है, फिर होता इसमें इसमें वो वाला सीन आता है जो ड्रग की एडिक्शन होती है ना, हां ये भी तो आप कंज्यूम कर रहे हो, नुकसान तो नहीं होता ज्यादा मिर्चे खाने से? पता नहीं स्निफ करता रहता है कुछ ना कुछ पूछ रहे इससे, नुकसान तो नहीं। मैं तो खातिर तवाज़ो के तौर पे खुद अपने हाथों से मिर्चे डाल रहा हूं ताकि आप लोग एंजॉय करें, आपने कहा आपको पसंद है तो आप ये खाएंगे, ये भी है ना साथ, ये भी करें, ये भी करें आप। पहला सवाल है जी, खाना शुरू करें भाई, खाना शुरू कर दें, हां खाएं ना,
हालांकि पहला सवाल मुर्तजा से है, नहीं मुस्तफा से। मुस्तफा खाए ना यार, आपने आपको शर्म नहीं आई यार? शर्म नहीं आई मुस्तफा? हमारे इतने बड़े नाम जॉन एलिया साहब और उनके बारे में आपने कुछ लिख दिया, क्या स्टेटमेंट दी है? मजाक में लिखा था आपने? ये मंटो के बारे में भी कुछ लिख दिया था, मैंने कहा नहीं करो, मैंने तो पढ़ा नहीं। अच्छा, मंटो साहब के बारे में असल में देखें, मैं क्रिटिसिज्म क्या है, इकबाल पे भी करते हैं लोग, ये खाते हुए बोल रहे हैं। यानी कि सबने अपने हीरोज क्रिएट किए हुए हैं और उसके अगेंस्ट जो आइडियोलॉजी है को जो लोग मानते हैं उसको वो लोग जो है ना वो बिल्कुल विलन बना देते हैं। नहीं तो जॉन भाई का भी था। नहीं तो आप मुझे बताएं कितने लोगों की दिलाजारी कर दी यार उसके फैन फॉलोइंग। इतनी फॉलोइंग है किसी इंसान, उनका एक शेर था, उसका एक शेर था उनका कि मैं खुद ही दरवाजे पे हूँ और खुद ही बंद खोल रहा हूँ, निकल आया समथिंग। मैंने कहा ये इस तरह भी बन सकता है कि मैं करीम बुक कराई, मैं ही था करीम का ड्राइवर भी। ये तो लंबी चल सकती है। मैं एहसन के शो में गया, मैं ही एहसन था। क्या ये हर देखे कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि भाई आप जो है ना कुछ चीजों पे वाह वाह नहीं करते, बंदे का इलाज करवाते हैं, हर चीज पे थोड़ी करना है। मैं नहीं हूँ इसमें यार। नहीं अभी यार ये मेरे हाथ पे मतलब नहीं, वो फर्स्ट सेकंड ईयर के लड़कों का बहुत अच्छा शायर है, इसमें कोई शक नहीं यार, हमारे बड़े पसंदीदा शायर जॉन भाई एक कल। अच्छा जी मुर्तजा, हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ कलम तोड़ते रहते हैं आप। हर चीज के बारे में लिखते हैं हमेशा, नहीं भी कोई किसी से ताल्लुक वो भी लिख दिया, कोई कितना राह जाते लिख दिया, लेकिन ये औरत मार्च के बारे में कभी नहीं लिखा कुछ। मैं औरत मार्च का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि खवातीन की आजादी होनी चाहिए, उनको हक होना चाहिए आजादी राय का, ठीक है, और हर तरह की जो हमने उनको एक स्टीरियो कर दिया उससे निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की में बड़ा हाथ होता है। लगता है कि लोग आजादी नहीं देते? नहीं है, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में भी नहीं है। किस टाइप की आजादी की बात करें आप, मतलब मैं समझा नहीं। यार आजादी देखिए ना बहुत सारी है, उन्होंने जिंदगी में करना क्या है, उन्होंने अपना डिसीजन क्या है, अपने प्रोफेशनल डिसीजन, उनको हमने डाल दिया घर के तक, उनको काम करना है, बच्चों को पालना है, ये सब अब दुनिया में म्यूचुअली होता है। अब आप जो है एक कोई घर का बंदा काम करता है, वेस्ट में तो शौहर घर में होता है और बीवी काम करती है। that is better, life मैं कह रहा हूँ कि एक सोसाइटी की तरक्की में बड़ा हाथ होता है। अगर आप बैंकॉक की मिसाल ले लो ना, जैसे हमारे उसमें तो वहाँ आपको या मलेशिया की तरक्की क्या होती है, अगर हम वेस्ट की मिसाल देते तो मॉरली तो देयर नॉट सिविलाइज्ड एट ऑल मॉरली। सर ये हमारा ख्याल है, ये बहुत गलत ख्याल है। मेरे भी तो एक इवॉल्व करती है ना, देखे ना मैं मलेशिया की मिसाल दे रहा हूँ आपको, दुकानों पर औरतें काम करते नजर आएंगी बैंकॉक में। तो किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ना तो ये बड़ा जरूरी है कि औरतों को भी उस जगह पे लाया जाए। जो हमारे नाम भी हाथ बटाना भाई, शेर जो होता है ना शेर, वो खुद कुछ नहीं करता, शेर ने शिकार कर दिया, ये मासी का शौहर ये कर रहा है जब तक आप उनको कौन करेगा, दोनों बाहर बच्चों की परवरिश कौन करेगा, ये जरूरी नहीं कि वही करे, दोनों को मिलकर दोनों करना चाहिए। आप पोर्शन के यस बैलेंस कर लें कि आपने काम करना है उसने काम करना, ये नहीं हो सकता कि आप नहीं कर सकते उसको ये काम करना और आपको ये काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। खलील रहमान कमर साहब के बारे में किस ये सर, मैं तो खलील साहब का फैन हूँ, खलील साहब से मैं मिला। नहीं भाई ये खाते हुए, मैं खाते हुए तो इसको तो मिर्चे नहीं लग रही, वो बंदा फिर परेशान। मैं खलील साहब से मिला, मैंने उनको कहा कि आपने जो है ये बात इस तरह क्यों की, तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी। किस बात के बारे में यार, वो मारवी सरमत के साथ एक शो था उनका। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए, तो उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो बिल्कुल डिफरेंट था जो टीवी पे था, लेकिन वो ठीक था। मैंने कहा यार आप ये बात आपको टीवी पे करनी चाहिए थी, उधर आप जो है वो हाइपर हो गए और आपने अपना बेसिकली केस लूज कर दिया ना। ठीक है, कह रहे नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, वो मेरी बात के अंदर वो कर रही थी, बात ड्राफ्ट बोल रही थी और ये वो। तो मैंने उनको कहा कि यार वो एक जाहिर तरीका होता है टॉक शो का, उसमें फिर आपको अपनी जगह लेनी पड़ती है, वो तो आपको देखिए दोनों तरफ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मिसाल ले लें खलील रहमान कमर या मावी सरमत की, तो यहाँ पे ना जो वो भी बड़ी उनसे बदतमीजी कर रही है, वो भी उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, दोनों तरफ। ये नहीं कि वो बेचारे उसको हम अभी टारगेट कर ले वाला सीन हो गया, दोनों गज खा के, तो वो जो है ना वो गलत बात है। उसकी भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते, उसको बेइज्जत नहीं कर सकते।
तुम जाहिल और तुम क्या, इस तरह मारवी को भी बात। लेकिन कभी बच्चे भी देख रहे होते हैं, कभी कोई और इस तरह के लोग देख रहे होते हैं जो एक चीज उनके सामने नहीं। बच्चों के लिए पोगो है ना, वो पोगो देखे। ये खलील साहब ने कहा कि जो मैंने बोला था कि दो टके की लड़की, वो कह रहे स्पेसिफिक उस जगह की बात थी, वो उस करेक्टर की बात थी। कह रहे मैंने जेनेरिक नहीं बोला था, एक तो जेनेरिक नहीं था। उन्होंने कहा वो तो एक ऐसी लड़की को एक शोहर नया आदमी ने कह दिया, जो उसे समझा कि वो जब उसको लॉयल नहीं थी, डिसऑनेस्ट थी, धोखा दे दिया शादी करेक्टर के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि वो सिनेरियो ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ चैनल की डिमांड होती है कि वो धक्का दे, शाउट करे, थप्पड़ मारे। कह रहे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था, मैं तो मर्द को एजुकेट कर रहा हूँ। मैंने खलील तुमने ये बात मानी, अच्छा ये बात सही है कि हर ड्रामे में तो थप्पड़ आराम से मारा, आराम से मारा, उसमें नहीं हुआ ये। वो खलील साहब ने कहा लड़की नहीं, लड़की को थप्पड़ मारा था। खलील साहब ने कहा कि मैंने यही तो एजुकेट किया है बंदों को कि आपने ऐसे मौकों पे क्या करने का तरीका है कि आप अलग हो गए उससे। ठीक है, तो मैंने ना मां शाउट करवाया ना थप्पड़, सही है। उन्होंने ये बात बोली, आपने कैसे, मैंने कहा शकी ये अपना खलील, ये आपने बात जो है ना मानी की खलील तो नहीं, खलील तुझे वहां करनी चाहिए थी बात। नहीं, खलील साहब ने कहा मैं लूज कर गया था। असल में खलील साहब का एक और प्रॉब्लम भी है कि उनको जो है ना हर कोई बोलने सुन रहा होता है, उनको काउंटर नहीं करते, तो उनकी आदत ये जाहिर है खराब हो गई। ग्रुप में तो चल सकती है हर जगह, तो नहीं लोग तो काउंटर करते हैं भाई, यानी कि कह रहे हैं उनके आगे पीछे लोग हैं वो उनको बोलने देते हैं क्या? वो बहुत ज्यादा उनके क्या बहुत ज्यादा क्या उनके नखरे उठाते हैं। ठीक है जी, अच्छा मां खा लिया यार जरा मुझे, ये तो इतनी मिर्ची चल रही है लोगों, ये देखो इतनी मिर्चें यार, इसको मजा आ गया। अब इसको कौन खिलाएगा ये सब कुछ, अब रोज आना पड़ेगा। ये दोनों तो मिर्चें एंजॉय कर रहे हैं भाई, कश्मीरी सर, कश्मीरी कश्मीरी, क्या उनका है ना, ये हमारा है, ये टाइम आउट का है, ये टाइम आउट के किचन में बनता है। किचन देख रहे हैं आप, यही सही, कोई किसी का नहीं है, ठीक आदमी है। As far as you're enjoying it, very good, very good, cool। ठीक है जी, ये हैदराबाद की धनी है जिन्होंने बनाया, थोड़ा खट्टा भी है, खट्टा है थोड़ा, उनके मशहूर है ना हैदराबादी खाने में। नहीं लेकिन वहां से नहीं आया, इतनी दूर से आएगा तो सही नहीं रहेगा यार, यहीं का है, फ्रेश फ्रेश यही है या बाकी इंतजाम भी है? मुझे लग रहा है कैंटकी भाई हैदराबाद शिफ्ट हो गए दक्कन। नहीं, बाकी इंतजाम किस किस्म का? नहीं, मैंने कहा इसके अलावा और क्या क्या है और भी तो इंतजाम है, बताएं आप। खाने के बाद कैलुला करते सोते हैं, वो ही करता हूँ मैं, कहीं भी सो जाएगा, कोई बंदा सो रहा होगा बराबर सो जाए, आज तो खराब हुई। ठीक है, इतना कसूर है कि एक्टर को उन्होंने बिल्कुल ही मौका देने से इनकार कर दिया, और वो बेचारा जो है ना उसको सिर्फ रीडिंग के लिए छोड़ दिया है उसका फ्रेम। नॉट एवरीबॉडी, I think we have great actors. What kind of statement is this, man? नहीं यार. Sir, great actors again. I said great actors हैं, but उन बिचारों को इतना restriction, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा, to be honest, but yes. नहीं, मैं तो समझ ही नहीं. कह दे, कह दे. मैं आपको बता, मेरी समझ थोड़ी जरा मुझे देर से समझ आती है. नहीं, बट मतलब सारी बातें निकल वाली, आपने इतने सारे लोगों के नाम लिए, अब मुझे बता दें कि वो एक तो कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा उस लाइन के अलावा कौन सी लाइन है जो हमें याद है? अगर आप बात करें, हाँ भाई खुदा के लिए मूवी थी उसमें लाइन्स थी वो याद है, या फिर वो उसमें एक और बनाई थी एक फिल्म शोएब मंसूर ने, अच्छा, वो जो एक और तो उसकी आप ये कह रहे हो कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं याद है, कुछ नहीं करो कभी भी। यस सर, अल्लाह अकबर, कपड़े हो गए खराब, मिर्ची भी स्लिप होती है भाई, बेचारा, चलें चलो खैर है, किसी किसी के हाथ में जाके स्लिप होती है, हर एक के हाथ में स्लिप नहीं, इनको भी तो हर चीज पकड़नी है ना। तो जनाब आप ये आखिरी वाला नहीं खाएंगे? सर बस हो गया, मेरा इतना ही खाता हूँ। तो जनाब हमारा ये जो सेगमेंट है ये भी ओवर हो गया जनाब, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि मैं एक बात पे हैरान हूँ यार, मैं क्योंकि इतनी कॉन्वर्सेशन आप लोगों से कभी नहीं हुई, नहीं हुई सर, तो ना ये पहली बार है इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और इतना वास्ट रेंज है आप लोगों की, यू नो यू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट मैनर व्हिच इज अमेजिंग। वरना हमारे तो ये हो गया ना कि क्लोन्ड थिंकिंग भी जो प्रोसेस है ना, जैसे स्कूलिंग एक प्रोसेस है ना, उसमें हर एक सर्टन लेवल के स्कूल में एक ही तरह के लोग और एक ही तरह के बच्चे सब एक सोचते हैं, राइट? और आजकल बहुत ज्यादा है अलग अलग सोचना, ये खूबसूरती है कि आप क्या सोचते हैं। तो दिस इज अमेजिंग यार, थैंक यू सर, टैलेंट है भाई, दोनों में टैलेंट है। जनाब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान, अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे।
नायक और छुट्टी बंद में जनाब आपसे जनरल नॉलेज में कोई इंटरेस्ट है वैसे? सर कोई भी नहीं नहीं होगा नहीं भाई का है काफी हल्का वेरी गुड इसको याद रहती है चीजें really? कभी ऐसा होता ना कि आपने पढ़ी भी होती है आपने सुनी भी होती देखी लेकिन जेन से निकल जाता हां इसको याद फोकस नहीं होता तो यू काइंड ऑफ फॉरगेट बिल्कुल इसको बट देन वी हैव टू गेन सम नॉलेज तो ये मेरी भी एक रिवीजन है लोगों की भी रिवीजन है आपकी भी हां मजेदार चीज है ठीक है अच्छा जनाब पहला सवाल आपसे ये है जो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा यानी सबसे पहले जो जवाब देगा उसको कोई इशू नहीं है वो सही रहेगा जो नहीं दे पाएगा उसको नंबर चूज करना पड़ेगा और फिर ट्रेजर बॉक्स में से कुछ स्कर्ट निकलेगा वो पहनना होगा वो पहनना होगा या अभी ये वाला उतार दे हां ये उतार के वो पहनने होंगे आप तो मास्टर है इसमें मैच क्या क्या है सर इसके अंदर आप तो मास्टर है मैच के दौरान कर चुके आप ये इसके अंदर क्या क्या है निकलता है इसके पूछ रहे हो क्या क्या निकलता है पर है आप क्या चाह रहे हैं क्या निकले नहीं ऐसी मैं तो चश्मे कपड़े चश्मे कुछ भी इसको पहनाएंगे किस तरह आप इनको तैयार करना चाह रहे हैं खुद ऐसे कपड़े पहनना चाह रहे नहीं मैं ले जाऊंगा ले ही जाएंगे अच्छा जरा पहला सवाल ठीक है गुड है पहला सवाल सवाल चलाइए जी लैंसडाउन ब्रिज कनेक्ट्स द ऑप्शंस आर सखरन खैरपुर सखरन रोड़ी खैरपुर एंड रोड़ी कौन सा ब्रिज है लैंसडाउन सखर एंड रोड़ी आपने कहा सखरन रोड़ी yes. आप सखरन रोड़ी अगर आप कह रहे हो देखा होगा बड़े भाइया उनका जवाब बिल्कुल सही है नंबर सिक्स का भाई फाइव नंबर फाइव वाह यार अच्छा यार वाह 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 ये कौन बनेगा सर ये आप बनेंगे जो ने जवाब नहीं दिया वो बनेंगे ओए मरियल काउबॉय है ये तो कोई अल्लाह माफ करे इंडियन गाय नहीं इंडियन फौजी नहीं होते बिल्कुल ये मरियल किस्म का नहीं इंडियन वो वाली गाय नहीं होती जिस पे जिसकी पसलियां नजर आ रही होती या वेरी शिकारी अंकल म्यूजिक चेक किया नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जी उर्दू यानी उर्दू लैंग्वेज हैज How many alphabets? Very easy. 35, 36 or 37? Sir, I... 37. C. Na aapka na hamara bhai jan. 35 kar lo. Huh? 35 kar lo. Na aapka na hamara. Aapne kaha 35. Aapne kaha... 37. Are you sure? Yeah, alphabet, yes. The real answer is... Gaib kar dein baaki. Dikhaein. बस मैं ठीक निकला ना पैंतीस का था भाई नहीं मैंने तो उस चक्कर में कहा था ना आपका नाम आ रहा भाई वैसे वैसे ही है चूज करें सर नंबर 10 ओए ओए इसकी जरूरत ही नहीं है जोकर नो वाह ये मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता अली जिशान बना देंगे डिजाइनर इसको जो चीजें पड़ी हुई है अली जिशान वाली चीजें लगी ये नॉर्मल लोग फैशन में पहन रहे थे भाई व्हाई नॉट ये पहनेगा मैं आप ये वो भी पहनेगा ये नाक पे पहन ली चलो ये इससे पहले ये हुमायूं सईद आए थे क्या शो पे क्यों क्यों बड़ा हो गया थोड़ा अच्छा चलो चले नाक नाक एक मिनट आपने भी गलत जवाब दिया था आप भी चूज करें नंबर ज्यादा खुश ना हो चलें एच दूसरी नाक मुझे बना दे ओहो ओए ओए अच्छा देखा अली निशान वाह 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 ये फ्री अल्ताफ वाले ग्लासेस है बिल्कुल हां फ्री अल्ताफ वाह वाह रेडी है यू आर वेरी नाइस इसको तो आपने अच्छा बना दिया बड़ा प्यारा लग रहा है कभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है घूमूंगा अगला सवाल द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एट चश्मा कराची या मियांवाली चश्मा पहना हुआ है इसलिए चश्मा तो पहना हुआ है मियांवाली में फटा था नहीं है सर चश्मा है आपने कहा चश्मा हाँ हाँ चश्मा 100% चश्मा पावर आपने कुछ नहीं कहा उन्होंने पहले जवाब दे दिया तो चले उनकी बात मानी जाएगी इसका सही जवाब है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची कौन सा सर नाम क्या
कराची है नहीं है कराची आपने गेम किया हमारे साथ नहीं हो ही नहीं सकता सर कराची में था बम लेके जा रहे थे छीन गया था गूगल कर ले भाई पाकिस्तान का फर्स्ट देखिए सवाल दोबारा लिखे स्क्रीन पे दोबारा लिखे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश हम इंतजार कर रहे हैं इंतजार फरमाइए कराची कराची वन उसका नाम था सर जी और कराची था हमने यही बोला हमने क्या बोला है चले ठीक है हम सही थे ना You're right. आप गलत थे आपको लगता है भाई आपको लगता है हमारी टीम क्या सिर्फ कराची में मतलब माफ करे सर वो रोडे नहीं बनी हुई आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया सर अभी इसको इसमें नहीं इसने गलत बोला कचरा यहां से नहीं उठता आपने न्यूक्लियर तो कैसे यकीन आएगा हमें हमें यकीन ही नहीं आएगा किसी को भी यकीन नहीं आएगा चेंज करें नहीं इसको कोई ऐसी चीज बनाए खिड़की टाइप कोई लगाए इसको कहीं पे निकाले यहाँ से खिड़की निकालो भाई अच्छा वैसे अगली बार में कड़की भी रखी हुई अच्छा आइडिया ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं अभी तो कड़कियां लगेंगी भाई सर नंबर टू माफी 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 इसमें अदनान समी खान का है बता रहा हूँ ना ये किसी और चीज के लिए था हमने मुझसे गेम कर दिए आई एम टेलिंग यू डबल नोज कैसे हो सकता है ओह माय गॉड वाह यार आई लव दिस सही सर अब वजन बहुत है ये पता नहीं किस मरहूम का नाक है ये अपना मॉनिटर में नजर तो नहीं आ रहा नहीं सर यार ठीक है जी अगला सवाल नाक में खारिश हो रही है इस नाक में कोई बस में नहीं चढ़ सकता वर्सटाइल एक्टर मोहम्मद अली साहब मेड हिज डेब्यू फ्रॉम व्हिच फिल्म चिराग जलता रहा बहादुर या दाल में काला ए ए चिराग जलता रहा बहादुर बी इन्होंने कहा बी आपका जवाब गलत है उनका जवाब बिल्कुल सही है चिराग जलता रहा हाँ जी अब नाक खत्म हो गई कुछ और निकलेगा सर कुछ जूते होते हैं अच्छे यहाँ से कुछ ऐसा निकाले जो गर्दन से नीचे नीचे की कुछ उसकी जरूरत है उसकी जरूरत है मुझे यार आप वन निकाल लें बस वन नंबर में जो होगा नंबर वन अली निशान वाला सीन हो गया बता रहा हूँ ये वो वाला एंजल है जो बुरी बातें नोट नहीं करते जंगली कबूतर लग रहा है जंगली कबूतर कौन सा एंजल है कौन सा एंजल है अच्छा सॉरी वाह चीजें बहुत हो गई हैं ये देख रहे आप मुझे कंप्लीट के हैं यार कूल कैरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बत्तख भी लग रहा है पाकिस्तान शेयर्स 3,323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद अफगानिस्तान इंडिया या चाइना अफगानिस्तान ऊपर दोबारा पढ़ने से 3,000 3,323 किलोमीटर मेरे ख्याल अफगानिस्तान आपने कहा अफगानिस्तान इंडिया आपने कहा इंडिया ओके जी इसका सही जवाब है सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है वो है वो अफगानिस्तान के साथ तो शायद वो नंबर सर नंबर नंबर वन नहीं हो गया थ्री इज्जत
दी है सर, इज्जत दे रहे हो। ओए अब ये रावी पीर दादा बनता जा रहा है। यूसुफ बशीर कुरैशी आज के शो में सारे लोग आए हैं। हाँ हाँ वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है, सरदार वाला फील आ रहा है। अच्छा ये भी है सर। नाक से चाय सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप? जीरो टाइम्स, वन टाइम या टू टाइम? वन। आपने कहा वन, आपने कहा टू आई गेस। नहीं वो तो एक दफा जीता। नहीं ब्लाइंड का शायद वन, सॉरी वन। आपने कहा वन, आपने कहा वन, एक दफा जीता। सही जवाब है यार, वैसे सही जवाब है टू होगा, मुझे पता है, देखना हमारी जानबूझ के कर रहे हैं। टू है सही जवाब। सही जवाब टू है, बताया मैंने भी आपको, तस्वीर भी कर दी टू है। नंबर चूज कर भाई। वो एक्चुअली हम मिक्स कर गए, वो जो नॉर्मल टीम है वो एक दफा जीती है। सेवन नंबर। क्लासेस बहुत है। ओए यार, मतलब इरेज मंजूर। कूल लग रहे हैं ये इधर। एक जमा किसने किए हैं घर में भी, कुछ छोड़ा सब ले आए इधर। नंबर चूज कर भाई। नंबर है सर 9। नंबर 9। वाह मनियान, मनियान राज भाई, आप नाक वापस लगाएं। ओके दोनों में से चॉइस है आपके पास, जो मर्जी नाक लगाएं। ये वाली नाक सही है, इसमें इज्जत है थोड़ी सी। ओए 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 ये परेड के खान लग रहे हैं। पहले सरदार है जो मजाक जोकर भी है, तो जोकर भी है। ये पहला सरदार है जो हर साल अमेरिका जाके परेड में हिस्सा लेता है। ये मैं कोई सिंध का सरदार तो लग रहा हूँ। गुड यार, यू गाइस आर लुकिंग ग्रेट। इनका जबरदस्त सा यहाँ पे शूट होगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और अब ये मौका है कि हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? क्या खेलेंगे सर? आपस में खेलेंगे। आप तो इतनी देर से खेल रहे हैं हमारे साथ। मैं तो खेला ही नहीं अभी। हाँ। मैं तो अच्छा नहीं किया, तो टेंशन में डाल दिया आप लोगों ने। अच्छा नहीं नहीं, आपने बहुत खेला हमारे साथ, बहुत खेला। ऐसे ऐसे नाक लगवाए हमें कभी। ऐसा नाक ना किसी लगाया होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इस तरह का नाक हो तो आपको नहीं लगेगा, किसी को लगेगा। आपका नाक लग रहा है। मुश्किलात का शिकार। सही से खड़े हो, आपका नाक दूर से दूर हो जाए यार। अच्छा जनाब, दिल खोल के हमारा सेगमेंट है और इसमें आपके जो पसंदीदा लोग हैं उनकी पर्ची हमने डाली, उनका नाम लिख के। तो ऑब्वियसली जब आप पर्ची निकालेंगे तो फिर उनके बारे में आप क्या बताएंगे, उन जैसा कुछ करके दिखाएंगे आप। ठीक है, सही है, ठीक है। पहले किससे शुरू करें भाई? ऑब्वियसली म्यूजिक को फॉलो करो। ओए होए रीमा, कौन है? रीमा, रीमा, रीमा जी। ओए होए दौड़ा वो मैंने यहाँ से। रीमा बहुत अच्छी है, वो पहली खातून है जो नाक से बात करती है। नहीं अच्छी है वो, सीरियसली। हर साल वो अमेरिका में रहती है, हर साल रमजान में आती है। माशाल्लाह हमारे साथ रमजान में। रीमा नहीं हो गई, तुम्हारी खाला हो गई, हर साल रमजान में। रीमा बात कैसे करती है नाक से? बात नून सोम सी कहो मैंने। वैसे नाक से बात नौकरी। रीमा शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज, आई थिंक शी इज बहुत अच्छी, वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट क्रश दैट आई हैड। अच्छा हमारे तो अभी भी है, वन ऑफ फर्स्ट क्या मेरा अभी तक है। हां अभी तक सर। इजाजत है? हां जी। येलो रंग मुझे पसंद है, तो मैं देखता हूँ जरा इसमें क्या निकलता है जी। ये कौन है? अच्छा ये हमारे दोस्त शफात अली खान। इनके बारे में क्या? मुझे क्या पता, तो आपको मैं ही बताऊं आपको इनके बारे में क्या? बीप बीप लगाएं इसकी। मैं टू 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 टू। नहीं नहीं नहीं, हमारा पुराना कुलीग, बड़ा अच्छा बॉय, वेरी गुड बॉय, टैलेंटेड बॉय। हाँ
बस इसकी एक और बात भी है, एक दफा ये अपने किसी दोस्त को बोल रहा था जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे कि यार तू शादी कर ले, शफात कहता है ना, तो उसने बोला यार मतलब कर लूंगा क्या हुआ, कह रहे नहीं इससे ना नस्ल बढ़ती है, तो उसने कहा मैं कोई डायनासोर हूँ मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो शफात का ये याद रहता मुझे। वो कहता मैं डायनासोर अभी वो मेरे ख्याल में वो जो टीवी पे कर रहे हैं ना उसमें पैक हो गया वो। अच्छा तो उसके लिए उसको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो टैलेंटेड ज्यादा है। टीवी पे तो फिर एक सर्टेन टाइप का प्रोग्राम होता है ना, चीज़ का एक बिल्कुल हाँ मतलब न्यूज़ कवरेज सॉर्ट चीज़ है। ओके ठीक है, नीले नीले में दिखाओ क्या, हाय 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 क्या, हाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लो कैसे शान भाई यार बंदे की ग्रेस है वैसे, नो डाउट। क्या उनके साथ ऐसा कितना टाइम गुजरा है, बहुत टाइम गुजरा है, दोस्ती है और वो शुरू से ही मतलब एक अच्छे लगते थे। हाँ नो डाउट, हमेशा से ऑलवेज अ हीरो। हाँ उसकी एक्सप्रेशन मैंने नोट किया कि वो वाहिद आदमी है कि मतलब वो एक चीज़ के 10 वेरिएशन एक ही फेस के साथ, और उनके ना एक्सप्रेशन हर चीज़ का एक एक्सप्रेशन है, और वो किसी भी लाइट में उनको शूट करो वो एक अलग ही आदमी। अच्छा अमेजिंग, नाइस, अच्छी बात है, अच्छी बात। अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी और नब्स चल रही हो, ये है एहसन खान और नहीं सोहेल वरांश। यार ग्रेट आदमी ये उनकी, सोहेल वड़ाइंज की एक दफा मैं एक एपिसोड देख रहा था, वो किसी अक्सर वो ये भी करते हैं पैसे बचाने के लिए कि वो कोई स्टेज की डांसर थी उनके घर पे मौजूद थे, और जब वो सो के उठी, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो बेडरूम में उनके यूं बैठे हुए थे स्वेट हुआ, यानी कि आप किसी के बेडरूम में पहुंच गए, यानी कि आप जाते रहते, तो वो उठी सोहेल साहब आप मैं आपको नोट कर रहा हूँ, आई स्वेयर टू गॉड उसने उठते ही जंप मार के डांस भी किया था सुबह सुबह। नहीं रियली यार तो बंदा ऐसे काम करता है, मजे के उसके बहुत डांस देखे हैं उन्होंने। मैं जब उनसे मिला तो मुझे उसके बाद एहसास हुआ कि वो कितने इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बिकॉज़ आई डिड अ शो दैट ही डज, so then I actually started liking so much after that. उस उनकी वैसे जो electoral knowledge है ना बहुत ज़्यादा है, किस हलके में कौन कब कैसे जीता, वोट कैसा, ट्रेंड क्या है, प्रोग्राम के बाद से हुई जितना घूमे है ना वो। बाकी वो पता नहीं वो डांस वाले शो क्यों, अफसोस तो होता होगा। लाबी बच्ची आयशा उमर है प्रमोद साहब। आयशा उमर बहुत यार वैसे अच्छी टैलेंटेड, और मुझे मैं वैसे उसको ज्यादा तौर पे बड़ा है, ज्यादा तौर पे टून ऑन पे ये कहना चाह रहा था मैं, ज्यादा तौर पे नहीं, मैं बड़ा मुझे शी आई रियली लाइक आई 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 लाइक खूबसूरत, अब तो वो खूबसूरत के नाम से मशहूर है। हां खूबसूरत, अरे अच्छी टैलेंटेड खूबसूरत खातून है, ठीक है ओके बस ऑन स्क्रीन जवाहरा उठाते हैं सर। मुस्तफा कुरैशी, ओए हो कुरैशी साहब। अच्छा इनके बारे में एक जो बड़ी अहम बात है जो मैंने किसी कोर्स में पढ़ी थी, लोकल फिल्म का कोर्स किसी ने डिजाइन किया था, और उसमें वो कहते हैं कि जो इनकी और सुल्तान राई की जो फिल्म थी ना मौला जट, वो प्योरली उस वक्त के जो सियासी हालात थी ना उसकी डिपिक्शन थी, भुट्टो वर्सेस ज़िया। Okay. और उसके अंदर वो जो लाउड रोल था और वो भुट्टो का और एक तरफ उसको ज़िया को, तो उसने पूरी कहानी कि लोगों को उसको वैसे फिल्म देखते हैं पर उसके अंदर पूरी उनकी जो आपस की वो थी और पूरी जो सियासी मंजरनामा था। मिले इनसे, मिले आप, मिले मुस्तफा कुरैशी जी से, मेरी नहीं हुई, काम देखा इनका, काम तो ऑब्वियसली सर बचपन से देखा है। हां जट तो अभी मैंने पिछले दिनों दोबारा देखी हाँ। मजा आता है यार, वो बहुत ही वो देखिए ना कितनी कोई इंटेलिजेंट लोग थे फिल्में बनाते थे। हाँ। मेरे दोस्त कौन, मीना मलिक, कंट्रोवर्शियल ये वो है, वो जो इंडिया में भी एक ऐसी है, इंडिया में भी एक ऐसी है ना वीडियो आती रहती है, क्या नाम है वो जो बिला वजह बोलते हैं, शिफ्ट हो गई है भाई है? अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, नहीं नहीं ऐसी एक इंडिया में भी है, बड़ी टैलेंटेड है कोई शक नहीं इसमें, ट्रोल है काफी बड़ी, पेट ट्रोल 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 है बहुत बड़ी, पेट ट्रोल है,
आपका नाम है, आपका काम ही नहीं, जिस किस्म की ये ट्वीट्स करती हैं ख्वातीन के बारे में, वही वही बैड यार। तो लोग उनके बारे में तो करते हैं बुरी बुरी तो करने की बात, बदला बनता है। कुछ लोग डिजर्व भी करते हैं उनके बारे में बुरा लगती है। आपने लिखा किसी के बारे में? नहीं, बुरे से मुराद पर्सनल अटैक तो गलत चीज़ है। आपने तो पर्सनल किया ही नहीं कभी? नहीं कभी। इनके लीडर पे मेरे ख्याल में लीडरानी पे इनके शायद हुआ। ओए होए, नाम ले लिया ना फिर आपने, सुल्तान राय साहब। सुल्तान राय। ये देखे ना क्या मतलब, आज यहाँ के अगेन फिर फिल्म मेकर जो हमारे आजकल के हैं, वो उनको अगर इनके बारे में पूछे ना तो उनके जहन में वही यार, वो क्या होता था पहले, एक बंदा था गंडासा लेकर, और यही जब हम फिक्शन के अंदर हॉलीवुड में देखते हैं तो हमें बड़ा पसंद आता है। वो मैट्रिक्स हमें अच्छी लगती है, हमें सुपरमैन स्पाइडरमैन, और ये लोग जो है उस वक्त बहुत पहले का काम कर रहे थे मेरे ख्याल में, और उसको आज तक हमारे यहाँ का जो एक टिपिकल माइंडसेट है जो सिर्फ शहर बेस्ड कराची बेस्ड, उनके उनको नहीं पता ये क्या था। यस, ये एक आम आदमी की आवाज थी बिल्कुल, और लोग रिलेट करते, खास तौर पे जो हमारे मैसेज है ये उसकी आवाज थी, और लोग इतना रिलेट करते थे, लोगों को लगता था कि ये जो बोल रहा है शख्स वो हम सर, उसकी वजह ये थी कि ये रेवोल्यूशन, ये अपनी हर बात में इनकी एक अमेजिंग डिमांड थी, एक चीज की इंसाफ करो, चौधरी से इंसाफ मांग रहे हैं, बड़े बंदे से इंसाफ। एग्जैक्टली व्हाट इज स्मार्ट फिल्म मेकर्स, दैट्स व्हाट ही वाज अबाउट। और प्लस वो जो हीरो का है जो हमने वो बना दिया ना, टीकों वाला हीरो, उसके अगेंस्ट जो एक हीरो था ना रियल सोसाइटी का, आम आदमी, हीरोइन जो थी वो खेत खराब कर रही थी। साइमा बहुत प्यारी थी यार, ओवरऑल वैसे देखें आपकी वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं वो लोग। मोमन लाला अच्छी हीरोइन थी फिल्म वाले, है ना, एक डिफरेंट लुक, अलग से, अलग सी दुनिया, बड़ा गुड टाइम। पहले की बात आप करें ना, पहले देख लिया था हेरा खान, बड़ी होकर शाहरुख खान बनना चाहते। नहीं नहीं, आपको मैं बताऊं, मायरा शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी। हां है भी, अभी तो आशील आपको बड़ी अच्छी, वैसे बड़ी डिसेंट खातून है मायरा, है ना, शी इज वेरी गुड, नो डाउट, ब्यूटीफुल, एंड शी इज ब्यूटीफुल, शी इज गॉर्जियस, अच्छी, बहुत अच्छी, नो डाउट। आई मीन आई लाइक वाचिंग हर ऑन स्क्रीन, उसको मायरा को स्क्रीन पे देख के इतना अच्छी आवाज है, इंटरनेशनली एक अच्छा इमेज है, वो सब कुछ है यार, अनलाइक अदर्स। हां हां सही बात है। ओ एक ऐसे आदमी जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बड़े हिट हैं, उनका नाम है, पूरी सियासत उस पे खड़ी है आजकल, जो जमहूरियत जो कुव्वत है, हमला आवर हुई है। कुव्वत वो कुछ ये है कि वो अपने डोमेन में रहते हुए तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम कर रहे हैं, और इस तरह के जो ये एजेंट है ना उनके, जो आजकल फलस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं इसराइल, ये बैठा हुआ है अमेरिका के। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत टाइम बहुत जल्दी गुजरा, और सेगमेंट्स पे सेगमेंट्स करने को जी चाह रहा है, लेकिन हमारा क्योंकि शो का टाइम खत्म हुआ है। आई वांट थैंक बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, थैंक यू वेरी मच। आगे अच्छा, लोग सुन रहे हैं और लोग तो देख रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? बस हमें बड़ी खुशी हुई कि आप उन चंद लोगों से जो हमें नापसंद नहीं करते, जो हमने शो में बुलाया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इट्स अ प्लेजर। यू वांट टू से समथिंग टू योर फैंस और पीपल हु आर वाचिंग? क्या कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो कहना चाहते हैं वो चल नहीं सकता ना सुन सकते हैं, तो इसलिए मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया एक नसीहत है, हर कोई अच्छा है उसमें, तो वैसे ही लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और हम भी कलम तोड़ रहे हैं। अच्छा, आधी बातें जो सर आ रही है ना, जो आप सुबह सुबह लोगों को भेज रहे हैं, उसमें गलत भी है कहीं कि वो फलाने ने कह दिया, फराज ने कह दिया, इकबाल ने कह दिया, वो नहीं कहा। अच्छा, यानी आपको पता स्टेटमेंट्स या पुरानी कोई बात निकाल के किसी के नाम से? बहुत बहुत ज्यादा गलत है उसमें, 80% गलत चीजें आ रही है जो हुई नहीं। 80%? यस यस। अच्छा, मेरे अब्बा जो है हमारे, वो उनको वो समझ रहे व्हाट्सएप पे हर चीज भेजनी है। गुड मॉर्निंग के 800 मैसेज करते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, ये वैसे जो हमारे पुराने बड़ी आदत हो गई कि वो दे वांट टू स्टे इन टच विद पीपल, आई थिंक दिस इज। अच्छा, वो उस पे भी यकीन कर रहे हैं कि ये इतने लोगों को बचाना है तो ये न्यूज मिलेगी। मैंने असली बात है। ओके ग्रेट गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप आए और अब क्या कर रहे हैं? अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मेरे ख्याल। मैं तो भी यही रहूंगा, ये मेरा घर है। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट क्या आ रहा है दोनों का, जो
इस शो के बाद कोई अपना ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जो लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे? अभी हाँ, ऑनलाइन हमारा अपना एक शुरू कर रहा है शो, डेली शो का या किसी चैनल के साथ? चैनल कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वेरी सून, जल्दी। ठीक है जनाब, इस शो का मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये दोनों महान लोग आपको कैसे लगे हैं और आपने शो कितना एंजॉय किया। आज मुझे मंत्रियों का पजामा पहना दिया, मैंने सलवार कमीज मैंने पहनाया था वो बंदे को, मैंने कहा यार वो कह रहे नहीं मंत्री लगेंगे आप, लोकसभा के लोकसभा। तो जनाब हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए सेलिब्रिटी कपल के साथ। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। गुड बाय।